हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा लास्ट मंथ हम लोग आपके लिए कुछ वेबिनार्स लेके आए थे जहां पे हमने आपको बताया था कि सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से एग्जाम की वैकेंसी आने वाली है गवर्नमेंट एग्जाम्स की। एग्जाम्पल के तौर पे जीपीएससी के अंदर सेम चीज आरआरबी एंड एसएससी जेई के अंदर भी कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली है, इसके बारे में हमने आपको लास्ट वेबिनार में भी बताया था। और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे आप शॉर्ट टर्म में उसे क्लियर कर सकते हैं, वो सब हमने आपको लास्ट वेबिनार में बताया था। नाउ बच्चों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक और वेबिनार लेके आए हैं हम लोग। कब? 14 सितंबर को हम लोग आपके लिए एक वेबिनार लेके आए हैं, लाइव वेबिनार। कितने बजे? शाम को 5:30 बजे। नाउ इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए करना क्या होगा सर? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, वहां जाइए और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सब इस वेबिनार को अटेंड करिए। इस वेबिनार का थीम क्या है सर? यहां लिखा ही हुआ है, क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर जीपीएससी सिविल मैकेनिकल एग्जामिनेशन। यानी हम लोग बात करने वाले कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं अपकमिंग ईयर में, यानी 2024 के एंड तक और 2025 के मिड तक। कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसे शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर क्लियर कर लें। क्या एग्जाम पैटर्न में चेंजेस आए हैं? जैसे कि आप सबको पता ही है, मैकेनिकल का जो क्लास 3 का पेपर होने वाला है उसके अंदर पैटर्न चेंज कर दिया जीपीएससी ने फिर से। ठीक है सर, अगर हमें आरआरबी और एसएससी के बारे में जानना है, उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जानना है, उनके कट ऑफ के बारे में जानना है, तो कहां से पता चलेगा? तो ये सब वेबिनार के अंदर बताया जाएगा। मेनली क्या है यहां पे, जितना भी मैकेनिकल और सिविल के लिए जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में उनकी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, उनका कट ऑफ, ये सब चर्चा होगी। कब? इस पूरे वेबिनार के अंदर। नाउ सर, क्या इसके अंदर आप ये भी बताने वाले कौन सा मटेरियल यूज करना है हमें, कौन सा अपडेटेड मटेरियल है जो कि हमें इस एग्जाम में हेल्प करेगा जल्दी से क्लियर करने के लिए? बिल्कुल बताया जाएगा सर। इसमें क्या आप ये भी बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग सर अपने टाइम को मैनेज करें, क्योंकि अगर हम लोग अभी भी, मान लीजिए हम लोग अभी जस्ट डिप्लोमा से डिग्री में एंटर हुए हैं और आरआरबी जेई एसएससी जेई का एग्जाम आने वाला है, क्लास 3 का एग्जाम आने वाला है, हम लोग कैसे अपने कॉलेज को और अपने इस गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन को मैनेज करें ताकि हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाए और कॉलेज भी डिस्टर्ब ना हो? बिल्कुल, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो ये पूरे चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। बट आपको करना क्या है, आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। ठीक है, जितने भी सिविल और मैकेनिकल के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं, डिग्री के स्टूडेंट हैं, डी टू डी के स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा टू डिग्री के स्टूडेंट्स हैं, सबको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है यहां पे। और रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस मैं चाहता हूं यहां पे वो बच्चे एंटर करें जो बच्चे सीरियसली अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, जीपीएससी एसएससी जेई आरआरबी जेई या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के बारे में ना सोचना एक अलग बात होती है, उसकी प्रिपरेशन करना एक अलग बात होती है। पहले हम सपना देखें तो सही, तब तो उसको जिएंगे। आज सपना हमने देखना ही शुरू नहीं किया और हम सोचते हैं कि यार काश हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ऐसे कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब लगती नहीं है। एक बहुत सिंपल सा पाथ है, पहले उस एग्जाम के बारे में जानिए, उसके आने वाली वैकेंसीज के बारे में जानिए, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में जानिए, देन उसकी प्रिपरेशन करिए और उस प्रिपरेशन को इतने अच्छे से करिए कि एक साल के अंदर अंदर आपका पेपर क्रैक हो जाए। तो मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, सबके सब इस वेबिनार को ज्वाइन करिए। ये वेबिनार लेने वाला कौन है? तो मैं मुकेश राय इस वेबिनार को डिलीवर करूंगा आप सबके लिए। इस वेबिनार को इतना इंपॉर्टेंट बना दूंगा कि आप सबके सब इस पूरे वेबिनार के बाद सोचेंगे वाकई में मजा आ गया इस पूरे वेबिनार को अटेंड करने में। ठीक है, तो इस वेबिनार को ज्वाइन करिए। कब है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, 14 सितंबर 2024 को यह वेबिनार होगा, शाम को 5:30 बजे। तो काइंडली सबके सब इस वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करिए। अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत है तो ये कॉन्टेक्ट नंबर है, यहां पे भी आप कॉल करके बाकी डिटेल्स ले सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वेबिनार के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।